तो एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में अयोध्या विवाद को लेकर नए बदलाव किए गए हैं। संशोधित किताब में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है, इसे तीन गुंबद वाली संरचना कहा गया है। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं जिसे लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कई लोग इसे एनसीईआरटी का भगवाकरण भी बता रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी का अपना तर्क है, एनसीईआरटी डायरेक्टर के मुताबिक बच्चों को हिंसा और नफरत की पढ़ाई क्यों करानी चाहिए, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बदलावों पर जरूर बड़ी बातचीत हम करने वाले हैं। सुरभि, तो बता दें एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है उसमें साफ तौर पर भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि एनसीईआरटी की ये जो कोशिश है ये भगवाकरण का कहीं ना कहीं कोशिश नजर आती है। एनसीईआरटी में बाबरी को बाहर कर दिया गया, यानी बाबरी का जिक्र नहीं किया गया है और इसे तीन गुंबद वाली संरचना कहा गया है जिसको लेकर कुल मिलाकर विवाद हो रहा है। सुरभि, बिल्कुल पहले क्या था अब क्या बदलाव हुए हैं, खास मेहमानों से चर्चा से पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का पहले नाम लिया गया, जिक्र किया गया, अब यही बदलाव होते हुए तीन गुंबद वाला ढांचा इसे बताया गया है। हालांकि इसको देखते हुए किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है प्रतिमा, क्योंकि ये बदलाव अब कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े। बिल्कुल, देखिए अयोध्या विवाद को लेकर 12वीं की किताब में एनसीईआरटी के जो बदलाव है उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहले बाबरी मस्जिद नाम मेंशन था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके तहत इसी को कहा जा रहा है तीन गुंबद वाला ढांचा। इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी को लेकर देखिए जानकारी। पहले क्या था, 1528 में बनी मस्जिद, अब लिखा जा रहा है बदलाव के बाद राम जन्मभूमि पर ढांचा बना। हालांकि मीर बाकी ने निर्माण करवाया, अब ढांचे में कई हिंदू चिन्ह थे, ये बदलाव के तौर पर बात सामने आ रही है। और महत्वपूर्ण ये कि पहले इस बात का जिक्र था कि चार पेज का ये पूरा अध्याय था, लेकिन अब ये अध्याय बदलाव के बाद महज दो पेज का बताया। साथ ही साथ पहले अखबारों की कटिंग थी जिसमें इस पूरे प्रकरण की चर्चा की गई थी और अब कटिंग्स को हटा दिया गया है, जिसमें पुराने पेपर्स में क्या कुछ लिखा गया था साफ तौर पर अयोध्या विवाद को लेकर उसकी कटिंग्स को हटा दिया गया। हालांकि कल्याण सरकार को हटाने की बात पहले इसमें कही गई थी, लेकिन अब बर्खास्तगी का इसमें किसी तरीके का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो पहले और अब में हुए बदलाव के तहत ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रतिमा। इसके अलावा ताला खोलने के बाद सांप्रदायिक तनाव का जिक्र पहले सिलेबस में था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद फैसले के बाद महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र किया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव का जिक्र हटा दिया गया। इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पहले आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का भी इसमें जिक्र था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके मुताबिक यात्रा का इसमें कोई जिक्र अब है ही नहीं। हालांकि अयोध्या को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने घटनाक्रम पर खेद जताया था, पहले इस बात का जिक्र था, लेकिन अब हुए बदलाव में खेद जताने वाली बात का कोई जिक्र इसमें है ही नहीं। तो कई सारे बदलाव किए गए हैं और उसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए बाबरी मस्जिद का इतिहास पहले था सिलेबस का हिस्सा, लेकिन जब बदलाव हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसमें शामिल कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या को लेकर वर्डिक्ट क्या था उसका जिक्र खास तौर पर किया गया है। अब बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए। जो बाबरी सोकॉल्ड बाबरी मस्जिद थी वो विवादित ढांचा था, वहाँ पर पिछले कई सौ साल में नमाज नहीं पढ़ी गई, तो उसको उन्होंने ठीक किया है कि उसकी जानकारी ताकि बच्चों को ठीक मिले कि वह मस्जिद नहीं थी, एक विवादित ढांचा था, एक तीन गुंबद थे जो कि विवादित थे, इसकी जानकारी बच्चों को ठीक जाए और ठीक इतिहास बच्चों को पता लगे, ये स्वागत योग्य कदम है। इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा बहुत विश्वस्त लोगों के जरिए होना चाहिए और पूरे गंभीरता से होना चाहिए, पूरे प्रमाणिकता से होना चाहिए। अगर पूरी प्रमाणिकता से इतिहास का लेखन नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है और वो देश के इतिहास को समझने में गलती कराता है। चलिए चर्चा की भी शुरुआत करते हैं, जो जो बदलाव इसमें हुए हैं उसी के आधार पर चर्चा भी करेंगे। इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवजिनेश अवस्थी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही प्रोफेसर दिनेश वाष्णवे सीपीआई के नेता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही सबसे पहले अवस्थी सर आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो बदलाव है आखिर ये क्यों अब सवालों के घेरे में है, इसी से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो एक बार फिर से यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन बदलावों को लेकर सवाल क्यों? देखिए एक बात, जो सवाल कर रहे हैं, सवाल क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो सवाल करने वाले थे, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है जो कहा कि तथ्यों को सामने रखना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को हर तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। कुतुब मीनार के सामने एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके ये मीनार बनाएगी, लिखा होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए,
अखबार की कटिंग का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अखबार की कटिंग भी होनी चाहिए उस समय के। अगर अखबार देखेंगे अगर आप 1990 और 92 के, तो जिसमें लिखा हुआ आज अखबार में कि राम भक्तों के खून से सरयू लाल हो गई, डाले ना, फिर ये लोग उसमें क्वेश्चन उठाएंगे कि ये क्यों। तो अखबार की कटिंग हो ठीक है या तथ्य हो, इसको किसी से छुपाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े साफ साफ तरीके से बताना चाहिए कि भारत वर्ष पर मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने, चंगेज खान ने, इन लोगों ने लगातार भारत पर आक्रमण किए, आक्रांता हुए। और यहाँ पर न सिर्फ ये हुआ बल्कि मुगल वंश में गुरु अर्जुन देव जी को, जो सिखों के गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, उनको उनका उनके साथ जो व्यवहार किया गया, गर्भगृह में बिठाया गया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गया, जिसका प्रमाण आज शीशगंज साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज है, हमारे छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया औरंगजेब द्वारा दीवार में, इन सबका जिक्र होना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि इस भारत वर्ष ने क्या क्या सहा है, यहाँ की हिंदू जनता ने विदेशी आक्रांताओं के से क्या क्या अत्याचार सहे, इसका मालूम होना चाहिए। नहीं अवस्थी सर, आपकी इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि इतिहास कैसा भी हो वो सभी को जानना चाहिए। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बदलाव की जरूरत क्या थी, अब तक अगर सिलेबस में बाबरी का जिक्र था तो उसे हटाने का क्या मतलब था, और ऐसे कई और बदलाव हैं जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अवनिजेश जी कह रहे हैं कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं पढ़ाई गई, और ये आरोप आप लोगों पर अक्सर लगते आए हैं कि आप लोगों की विचारधारा से प्रभावित रहा है इतिहास और उसको अपने हिसाब से लिखा गया, अपने हिसाब से गया। प्रतिमा जी, सुरभि जी, अब ये कुछ भी आरोप लगाते रहे, हमारे हिसाब से कैसे लिखा गया इतिहास मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों का, हजारों साल का इतिहास है, सबको पता है, इन्होंने गुरु जी का सबका दिया, रकाबगंज का, शीशगंज का हवाला तो इन्होंने पढ़ाई है ना, जब भी तो इनको पता है, नहीं क्या पता था इनको, ये कुछ 200 साल पहले थोड़ी पैदा हो गए, 1000 साल पहले थोड़ी पैदा हो गए, सब सारा इतिहास पढ़ा है, सबको पता है कि मुगल जो थे बाहर से आए थे, सबको पता है चीजें, ऊन आए थे, सब आए थे, सारी चीजें पढ़ी है बचपन में, हमने भी पढ़ी है, सब पढ़ रहे हैं, और बीच सेशन में ये बदलाव क्यों किया जाए, ये एक सिंबॉलिक हिंदुइज्म दिखाना चाह रहे हैं कि सिंबॉलिक हिंदुइज्म है इनका, और ये ऐसी बातें करना चाह रहे हैं। भाई बाबरी मस्जिद नाम था तो क्यों नहीं लिख रहे हो, लिखने दो, पता लगे बच्चों को बाबरी की मस्जिद थी, उसको बाद में हटाई गई है, फिर मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। जब आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बातें बता रहे हो तो डिटेल भी पढ़ने दो बच्चों को, तो पढ़ेंगे। आपके बदलाव करने से, स्टेशन के नाम बदलने से या कोई और नाम बदलने से कोई हिस्ट्री तो बदल नहीं सकती, इतिहास तो बदल नहीं पाएगा। तो अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता आंदोलन को क्या बताएगा, वो कुछ भी बताते रहे, स्वतंत्रता आंदोलन तो वही रहेगा जो भारत का हुआ, ज्वाइंट इंडिया का था, हिंदुस्तान का था। तो ऐसी चीजें बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली एक सिंबोलिज्म अपना दिखाना चाह रहे हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एनसीईआरटी सबसे, मैंने पढ़ी बचपन में एनसीईआरटी किताबें, लेकिन एनसीईआरटी की तो किताबें, उसमें कमेटी होती है, वो सिफारिश करती है, उसने जो सिफारिश करी बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया, मैं तो कह रहा हूँ इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है आपको, जो चीज विवादित थी या कोई जहाँ हिंसा हुई या कुछ हुई तो उसको आप बच्चों को पढ़ाई क्या रोते, पढ़ लेंगे दूसरे जगह जगह रेफरेंस लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सिम्बोलिज्म करना चाह रहे हैं हिंदुइज्म का, वो चीज है, उसको आप पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल साइंस की बात है तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज। आप, मैं बता रहा हूँ स्टेशनों के नाम बदल दिए क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, आपको जितनी भी चीजें हैं पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितनी भी हिस्ट्री है मैंने भी बचपन से पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए ये छोटी बातें करने से, सुपरफिशियल बातें करने से कुछ होना जाना नहीं है।